पवन जी, पवन जी, कुल मिला के जो चीजें सामने आ रही हैं, जो तमाम बयान सामने आ रहे हैं, एक तरफ ओवैसी कह देते हैं इस भारत मां, इस हिंदुस्तान के लिए हमारी मोहब्बत है, लेकिन इस कानून को लेकर हम चुनौती देंगे, तो ये कैसा प्यार, कैसी मोहब्बत, ये दोहरा चेहरा, दोहरी नीति नहीं दिखाता? देखिए, आपने शुरू में एक बड़ी सही बात की कि वही बात कीजिएगा जो प्रामाणिक हो और उस बात पर कायम रहिएगा। मैं अपनी वही बात कहूंगा क्योंकि यही सबसे अच्छा तरीका होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेरे बीच में कोई बोले ना, मैं 10 सेकंड ले रहा हूं बस। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यह लड़ाई संविधान की लड़ाई है ही नहीं। ये लड़ाई 100 करोड़ लोग जो अभी इलियासी साहब कह रहे थे, ये उनकी लड़ाई है ही नहीं। इतने लोग तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये लड़ाई मोदी और शाह की लड़ाई है। और ओवैसी साहब ने आज भी जो बयान दिया है, सीने पे गोली खाने वाला, एक खामखा के एक यूफोरिया क्रिएट करना, इमोशंस को भड़काना, ये बयान मोदी और शाह के खिलाफ है। ये बयान हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ नहीं है। वो आइन की बात नहीं कर रहे हैं कहीं से कहीं तक, वो मोदी शाह की बात कर रहे हैं। ये सारा कुछ जो कुछ ये सब मजमा लगाया जा रहा है, ये आर्टिकल 14, मैं मेरे पास खोल के बैठा हूं फोन में, आर्टिकल 14 मैं पढ़ के भी सुना सकता हूं। आर्टिकल 14 को आप आर्टिकल 15 के रेफरेंस से, आर्टिकल 21 के रेफरेंस से देखिए, कहीं से कहीं तक ये कानून इसके खिलाफ है ही नहीं। बिल्कुल स्पष्ट बात मैं कह रहा हूं। मैंने कहा था साहब, मैंने कहा था साहब, जरा सा तो पढ़े लिखे नहीं है वो संविधान के, बिल्कुल पढ़े लिखे हैं साहब, बहुत चतुर भी है, वो पढ़े लिखे हैं, बहुत चतुर है, वह हमारे माननीय सांसद है, लेकिन चतुर है। पढ़े लिखे होने से सब कुछ ठीक नहीं होता है। जब तक हम अपनी पढ़ाई लिखाई का सही से उपयोग नहीं करते, हम इतने बड़े समाज को भड़काए फिर रहे, हम क्यों भड़का रहे हैं? की बात कोई भी करे, हम उसका विरोध करते हैं। आज गोली मारने की बात करे, भारतीय जनता पार्टी। और एक बात और बता दे रहा हूं खान साहब, शायद आपको नहीं पता, उन्होंने जलियांवाला बाग बन जाएगा ये भी कहा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरे देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं? आप अपने देश में आग लगते हुए देखना चाहते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप भी वैसे नहीं। सारे बयानों के चाहे वो कोई भी हो, हमें बयानों का विरोध करना चाहिए। मोदी शाह के खिलाफ एकदम पर्टिकुलरली उन्होंने ये बयान दिया है। क्या मोदी शाही जी देश है? मैं और आप देश नहीं है क्या? पवन जी, हार्दिक साहब, इलियास साहब, हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी भी है। पवन जी, मर्द मुजाहिद, अगर एक देश का कानून जो देश की संसद ने पारित किया हो, मुझे समझ नहीं आता कि ये मोदी शाह के खिलाफ जंग ऐलान क्यों? देखिए, मुजाहिद बहुत बड़ा शब्द है। जिहाद के खिलाफ लड़ाई या धर्म का युद्ध, ये बहुत बड़ा शब्द है। विधर्मियों के खिलाफ युद्ध, ये एक बहुत बड़ा शब्द है। इस शब्द को कितना छोटा कर दिया। बात कर रहे हैं कुरान मजीद की, बात कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और बात और मुजाहिद के शब्द को अमित शाह और मोदी जी तक सीमित करके रख दिया। वाह भाई वाह। और आपको क्या लगता है कि आर्टिकल 14 किसके लिए है? क्या आप दुनिया भर के लोगों को उसमें शामिल कर सकते हैं? क्या ये देश इतना लोगों को समाहित कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। जो आर्टिकल 14 है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए, ये केवल 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 फंडामेंटल राइट है विच इज अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बस। और उसमें जो भी लोग बाहर से पीड़ित हैं, और ये 1940 से इसकी बुनियाद रखी गई थी, तो जो लोग बाहर हैं, पीड़ित हैं, उनको हम ले लेंगे, वो भी तब जब वो अप्लाई करेंगे। एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं यहां जो भी लोग देख रहे हैं, उन सभी लोगों को, कि आर्टिकल 14 या CAA ये इंट्रूडर्स, इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ है। चाहे वो इलीगल माइग्रेंट मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी व्यक्ति अगर इलीगल माइग्रेंट है भारत के अंदर, तो या तो उसको लीगलाइज किया जाए, और नहीं तो उसको भी खदेड़ा जाएगा। उसकी एक प्रक्रिया है पवन जी, उसकी एक प्रक्रिया है जो कि निर्धारित की गई है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा खान साहब, जहां देशभक्ति की बात कर रहे हैं, मैं 100% उनसे सहमत हूं। हम जानते भी हैं उनको, वो बहुत काबिल इंसान है, सब कुछ अच्छा है, देश के खातिर जीते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो फैलाया जा रहा है कि ये बीजेपी ने आके या मोदी शाह ने आने के बाद ये CAA कानून लाए हैं, ऐसा नहीं है। ये इससे पहले भी आ चुका है। गांधी जी ने इसके बारे में कहा, गांधी जी के बाद मनमोहन सिंह जी ने कहा, ये एक ट्रेडिशन नहीं किया, ये ट्रेडिशन है, CAA लाए उसमें हिंदू मुसलमान नहीं किया, आपने वही था। CAA अगर होगा तो हिंदू मुसलमान नेचुरली होगा, नहीं हो सकता, होगा ही होगा। पाकिस्तान के मुसलमान में क्यों लाएंगे भाई? बांग्लादेश के मुसलमान में क्यों लाऊंगा भाई? कल आप या युगांडा से मुसलमान में क्यों लाऊंगा? आप होगा ही होगा। जिन लोगों ने एक वैधानिक
राज्य बनाया, जिन लोगों ने एक इस्लामिक स्टेट बनाई और इस्लामिक स्टेट बना के उन्होंने अपना वहां दावा कायम किया, अपना आईन बनाया, अपनी सिटीजनशिप रखी, बाकी लोगों की सिटीजनशिप धीरे धीरे खत्म करते रहे। साहब इसके डाटा है, पाकिस्तान क्राइम ब्यूरो का डाटा पढ़िए, मैं बिना प्रमाण के बात नहीं करता हूँ, बांग्लादेश के क्राइम ब्यूरो का डाटा पढ़िए। करोड़ों रुपया आपकी सरकार ने, आप बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सरकार, हम सब पवन सिन्हा जी आध्यात्मिक गुरु है, इनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। पवन जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से बातें और जुबानी जंग चल रही है, मर्द मुजाहिद और ये तमाम जिहादी बातें, ये केवल भड़काने के लिए और सियासी रोटियों के लिए? बिल्कुल, ये 100% भड़काने के लिए। ओवैसी साहब जैसा जहीन व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता, कानून ना जानता हो, मुजाहिद वर्ड का मतलब ना जानता हो, और अमित शाह और मोदी जी के लिए मर्द मुजाहिद का प्रयोग वो बिना ख्याल के कर गए, ये संभव नहीं है। वो जानते जानबूझ के ये साहब, लास्ट कमेंट इलियास साहब, लास्ट 10 सेकेंड। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को शमशान कब्रिस्तान की पॉलिटिक्स के खिलाफ जिहाद के लिए खड़े हो जाना चाहिए। आप भी जहर उगलना बंद कर दे, इलियास साहब आप भी जहर उगलना बंद कर दे। देश के सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।